शहबाज गिल का पिम्स अस्पताल में इब्तदाई मुआयना मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक मेडिकल बोर्ड की जानिब से शहबाज गिल की हालत तसल्ली बख्श करार। खून के तमाम टेस्ट की तफसीली और मजमू रिपोर्ट सुबह मुरतब की जाएगी। तफसीली रिपोर्ट आने तक शहबाज गिल को आज रात अस्पताल में ही रखने का फैसला मेडिकल बोर्ड ने पुलिस अफसरान को आगाह कर दिया। शहबाज गिल का पिम्स अस्पताल में इब्तदाई मुआयना मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक मेडिकल बोर्ड की जानिब से शहबाज गिल की हालत तसल्ली बख्श। खून के टेस्ट की तफसीली और मजमू रिपोर्ट सुबह मुरतब की जाएगी। तफसीली रिपोर्ट आने तक शहबाज गिल को आज रात अस्पताल में ही रखने का फैसला मेडिकल बोर्ड ने अफसरान को आगाह कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि एक फाशिस्ट मीडिया की आज़ादी का ठेकेदार नहीं हो सकता। चार साल मीडिया का कत्ल, अब मीडिया की आज़ादी की बात पर शर्म आनी चाहिए। सहाफ़ियों की पसलियाँ तोड़ने और अगवा करने वाला इमरान खान है। मीडिया को नैप के जरिए कंट्रोल करने वाला इमरान खान है। मीडिया का मुआशी कत्ल और मीडिया की में तफरीक पैदा करने वाला इमरान खान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश, वक्फे वक्फे से जारी। मजीद बारिश की भी पेशगोई। सिंध हुकूमत आज तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने महकमा तालीम को छुट्टी देने की हिदायत जारी कर दी थी। इंटर बोर्ड के आज होने वाले तमाम इम्तहान भी मुलतवी कर दिए गए। महकमा मौसमियात ने 19 अगस्त तक कराची में शदीद बारिशों की पेशगोई की है।